तो इस गेम में हमें क्या करना है, हमने ये लिए हैं कुछ रबर बैंड्स और एक खाली बाउल लिया है मैंने, और साथ में मैंने लिए ये एक स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक पीने वाली। तो हमें इसके साथ ही इस गेम को खेलना है। और एक हम ले रहे हैं अपना टाइमर, एक हम ले रहे हैं अपना ये टाइमर। तो 1 मिनट का गेम रखेंगे हम, और उसके लिए मुझे करना क्या है, मैं आपको एक बार गेम का डेमो दे दूँगी, पर मैं बता देती हूँ एक बार कि हमें ये स्ट्रॉ में उठानी है, ये रबर बैंड एक ही हाथ का यूज़ करना है, और एक बार इससे ऐसे करके उठानी है, और दूसरे हमें बाउल में इनको डालनी है, और एक 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 बार में एक ही लेनी है, और सिर्फ एक ही हाथ का यूज़ करेंगे हम, इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाना है हमें। जो सबसे ज़्यादा इसमें हमारे रबर बैंड हमारा मेंबर ले लेगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार डेमो भी करके दिखा देती हूँ। तो पहले सबसे पहले कर लूँगी स्टार्ट। अगर दो आ रही हैं तो हमें दो नहीं लेनी है, एक ही लेनी है, तो एक हम हटा देंगे उसमें से और एक ही लेंगे। 1 मिनट तक हमें खेलना है इससे, और आप देख रहे हो ना मैं एक ही हाथ का यूज़ कर रही हूँ, तो एक ही हाथ से हमें खेलना है। ये दो आ गई थी तो मैंने दो में से एक हटा दी है। मैं राइट हैंड हैंडी हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड से खेल रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अभी मेरा टाइम चल रहा है, अभी तो है, शायद एक और आ जाएगी अभी। थिंक और गेम हो गया, टाइम हो गया अप। ये देखिए टाइम अब अप हो गया है, और मैंने इतनी रबर बैंड्स इसमें निकाल ली है 1 मिनट में। तो मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ कितनी रबर बैंड्स मैंने निकाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 रबर बैंड्स निकाली हैं, तो मेरा स्कोर हो गया इस गेम का 10। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 आप सारे मेंबर्स को खिलाइएगा, और जो सबसे ज़्यादा रबर बैंड निकाल लेगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल इजी, सिंपल, मज़ेदार गेम, और इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करनी है। रबर बैंड्स भी सबके पास होते हैं, स्ट्रॉ भी इजीली मिल जाती है। टाइमर की जगह आप घड़ी का यूज़ कर सकते हो, या अपने फ़ोन में भी लगा सकते हो टाइमर। तो बस, और ये वाला गेम खेलिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए, आज तो मैं बहुत ही मज़ेदार गेम आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, एक आलू लिया है, और कुछ लिए हैं मैंने कॉइन्स। और बाउल के और कॉइन्स के बीच में हमें अच्छा खासा गैप रखना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतना लंबा गैप है इसमें, कम से कम 10 इंच का गैप तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं वो आप। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है कैमरे के में लेने के लिए, तो मैंने इतना लिया है, आप इससे ज़्यादा भी गैप ले सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही मज़ा आएगा इस गेम में। तो मैं इस इतने गैप से आपको इसका डेमो देकर दिखाऊंगी। और इसमें भी हम एक ही हाथ का यूज़ करेंगे, दूसरे हाथ हमें नहीं लगाना है इस गेम में। और कॉइन्स को हमें इस आलू पर रख के और इस तरीके से लाना है, और इसमें डालने हैं सारे कॉइन्स। अगर बीच में कॉइन गिर जाता है तो वो कोई बात नहीं है, उसको आप रहने दीजिए, दूसरा कॉइन उठा के डाल लीजिएगा। तो चलिए डेमो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइमर ऑन कर लेते हैं, और ये आलू रखेंगे हम सेंटर में, और एक ही हाथ से, आप देखो, एक ही हाथ का यूज़ करना है मुझे, और एक ही हाथ से मुझे इसकी सिर पे सिक्के को रखना है, और जगह बनाते हुए लाना है और इसमें डालना है। इसी तरीके से मैं 1 मिनट तक इसमें, ये देखिए आलू को नीचे से उठाना नहीं है, आलू को जब हम लेके आएंगे बाउल तक, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ये बाउल तक आ गया है, तो मैंने इसको उठाया नहीं है, बस ऐसे ही सरका दिया सिक्का अंदर बाउल में। अगर हम उठा के डालेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, वो आप माइनस पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से सिक्के को इसके ऊपर रखेंगे, और ये मेरा हो गया टाइम अप।
तो ये देखिए, ये मैंने लिए हैं 1 2 3 4, 4 कॉइन्स लिए हैं मैंने 1 मिनट में। तो इस तरीके से सिंपल सा वही है रिज़ल्ट हमारा कि जिसके सबसे ज़्यादा कॉइन्स आ जाएंगे वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा गेम है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके बीच का गैप आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। तो आप इस गेम को भी एंजॉय कर सकते हैं अपनी किटी पार्टी में।